अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा गणगौर विसर्जन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नव विवाहिताओं ने किया गणगौर विसर्जन। मारवाड़ी समाज की सुहागिन महिलाओं एवं कुंवारी युवतियों का पर्व गणगौर सोमवार को श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना व अस्ताचल बेला में अग्रसेन भवन परिसर में बनाए गए कृत्रिम में प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। गणगौर के मौके पर राम मंदिर प्रांगण में विवाहित महिलाओं एवं कुंवारी युवतियों का तांता लगा रहा। पारंपरिक परिधानों व आकर्षक आभूषणों से सुसज्जित होकर अलग अलग समूह में सौभाग्यवती सुख समृद्धि की कामना के लिए गणगौर के मिट्टी के पात्र को अपने सिर पर रखकर गवर के गीत गाती हुई अग्रसेन भवन पहुंचकर प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया। इस दौरान महिलाओं एवं युवतियों ने जमकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। रंग बिरंगे उड़े गुलाल और गालों पर चमचमाती लालिमा ने होलीनुमा माहौल बना रहा। मधुपुर के इतिहास में पहली बार झील पोखर तालाब पूरी तरह सूख जाने से उत्पन्न जल संकट के कारण गणगौर विसर्जन का कार्यक्रम अग्रसेन भवन परिसर में मारवाड़ी समुदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा कृत्रिम तालाब बनाकर गणगौर संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गणगौर सज्जा एवं गणगौर विदाई गीत प्रतियोगिता के अलावे विभिन्न प्रकार के गेम्स एवं स्वादिष्ट अल्पाहार का आयोजन किया गया। गणगौर सज्जा प्रतियोगिता में पूजा लक्ष्मीराम का प्रथम, अनु कनोडिया द्वितीय, ममता खंडेलवाल को तीसरा स्थान मिला, जबकि गणगौर विदाई गीत प्रतियोगिता में शकुन अग्रवाल प्रथम, शशि गुटगुटिया द्वितीय व प्रीति लक्ष्मीराम का को तीसरा स्थान मिला। सफल प्रतिभागियों के बीच मारवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष पवन डालमिया, उद्योगपति समाज सेवी परमेश्वरलाल गुटगुटिया व श्याम सुंदर अग्रवाल के हाथों पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल कलनू ने किया। आयोजन को सफल बनाने में मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष अभिषेक गुटगुटिया, सचिव अभिषेक बथवाल, अभिषेक जलान, विवेक बथवाल आदि की भूमिका सराहनीय रही।